आज हम बात करें तो जैसे जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में बम फेंका गया था, तो वहाँ का पानी वहाँ की मिट्टी में अभी भी उसके रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है वो वहाँ पर है। तो वहाँ से अगर हम स्पाइरुलिना लेते हैं तो उस स्पाइरुलिना में रेडियो एक्टिव कंपाउंड आ जाते हैं। इस स्पाइरुलिना में कई बार हम जब सामान्य सोर्स से स्पाइरुलिना लेते हैं, क्योंकि ये तो कहीं भी उग जाता है, तो हम किसी भी तालाब से नहीं लेते, पतंजलि ने इसके लिए स्पेशल टैंक बनाए हुए हैं, उनके पानी की हार्डनेस की जांच की जाती है। पानी के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं, जैसे लेड है, जैसे मरकरी है, जैसे आर्सेनिक है, चीन से जापान से जो स्पाइरुलिना आता है उस एल्गी को, स्पाइरुलिना को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसके अंदर हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं और वो हैवी मेटल्स सीधे हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो पतंजलि का जो स्पाइरुलिना बनाया जाता है उसमें कड़े क्वालिटी कंट्रोल किए जाते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार के जीवाणु विषाणु नहीं होते, उसकी बार बार जांच की जाती है। जो पानी है उस पानी की हार्डनेस से लेकर पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है वो सारी चीज़ें जांच की जाती हैं। और उसके बाद इसका एक जो महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है कि उसका ड्राइंग प्रोसेस। तो पतंजलि में जो स्पाइरुलिना बनाते हुए उसका जो ड्राइंग प्रोसेस किया जाता है वो हाई क्वालिटी का ड्राइंग प्रोसेस किया जाता है, उसको सुखाने का प्रोसेस किया जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी और उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ ऐसे होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं प्रोसेस के दौरान, वो नष्ट ना हों। कई जगह क्या होता है कि कुछ कंपनियों में कई जगह पाया जाता है कि स्पाइरुलिना में BMAA नाम का कई बार टॉक्सिक मटेरियल पाया जाता है। पतंजलि में उसकी भी जांच की जाती है। कई जगह हम स्पाइरुलिना जहां उगाते हैं, आसपास कोई खेत हुआ या मिट्टी हुई, तो उसमें जो आसपास हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव या स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं, उनका इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है। तो पतंजलि में यह ध्यान दिया जाता है कि हमारे पास जो स्पाइरुलिना आए उसमें किसी भी प्रकार की कोई हैवी मेटल ना हो, किसी भी प्रकार से कोई हर्बिसाइड पेस्टिसाइड ना हो। प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ही केवल प्रयोग किया जाता है, साफ पानी में उगाया जाता है, हैंडलिंग करते हुए भी ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल हैंड फ्री उसकी हैंडलिंग की जाती है। तो इस क्वालिटी के मापदंडों के साथ स्पाइरुलिना बनाया जाता है। और स्पाइरुलिना की एक और खास बात है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। हमारी बॉडी में भारत की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ताइवान की बात करें, चीन की बात करें, तो यहाँ के पानी में आर्सेनिक ज़्यादा है, तो उस आर्सेनिक को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी स्पाइरुलिना करता है। हमारे बॉडी के जो हमारा ब्लड है उसको डिटॉक्स करने का काम करता है। अगर हम किसी दूसरी प्रोफेशनल कंपनी का, पैसा बनाने वाली कंपनी का लेंगे तो वो कहीं से भी उठा के दे देते हैं, उससे आर्सेनिक कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। तो ये स्पाइरुलिना के बारे में मैंने आपके सामने संक्षेप में कुछ चीज़ें रखी, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।